मेरा नाम डॉक्टर इमरान ख़ान है। मैंने अपनी बेसिक तालीम पेशावर पब्लिक स्कूल से हासिल की है, फिर कॉलेज भी वहाँ से, और यूनिवर्सिटी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर से बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं यूईटी मर्दान कैंपस, उस वक्त यूईटी पेशावर का सेटेलाइट कैंपस था, यहाँ पर एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुआ। और फिर 2005 में मुझे स्कॉलरशिप पर भेजा गया फॉर पीएचडी टू एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड। वहाँ से मैंने एमएस और फिर उसके बाद पीएचडी की डिग्री हासिल की। 2010 में मैं वापस आया यहाँ पर कैंपस में, और यहाँ पर मैंने एज ए चेयरमैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और उसके बाद कोऑर्डिनेटर सैटेलाइट कैंपस ऑफ यूटी पेशावर के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद 2017 में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुझे एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर असाइनमेंट दी कि मैं इस सैटेलाइट कैंपस को अपग्रेड करूं टू फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी। तो 2007 में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई और 2018 में असम्बली से हमने इसे का एक्ट पास करवाया। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन और पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल से एनओसी ली नई यूनिवर्सिटी की, और 2018 ही से हमने पहला इनटेक यहाँ पर लिया। उस वक्त हमने स्टार्ट लिया था 3 डिपार्टमेंट से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 2018 में हमने 7 कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया, और उसमें हमने 2 स्ट्रीम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेज उसके साथ स्टार्ट किया। उसका हमारे पास काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। अगले साल हमने उसकी सीट्स भी बढ़ाई। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम स्टार्ट किए। ये हमें प्रोजेक्ट मिला था हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, 1.3 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने एक यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक बनाया, एक हमारे पास बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और स्टाफ हॉस्टल तामीर हुआ उस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा इसमें काफ़ी जदीद लेबॉरटरीज वो कायम हुई, उसमें कमर्शियल लैब्स हमारे पास आई, और ऑलरेडी उस पर हमने कमर्शियल लैब में टेस्टिंग वगैरह स्टार्ट की, जिससे हमारे पास काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसके अलावा फ्यूचर में हमारे पास हाल ही में हमें गवर्नमेंट की तरफ से 400 कनाल ज़मीन मिली है, और उस पर भी ऑलरेडी हमारे पास एचसी का एक प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसकी मालियत 2 बिलियन से ज़्यादा है, और उसमें नए डिपार्टमेंट्स होंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, और वो हम अपनी नई ज़मीन पे तामीर करेंगे। हमने कम से कम यूनिवर्सिटी का अपना एक 21 साल का सफ़र है। इसमें यहाँ तक पहुँचने में हमारे जितने भी यहाँ पर इदारे के सरबराहान रहे हैं, इसके अलावा जो वाइस चांसलर रहे हैं, उनका कलीदी किरदार रहा है, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का एक अच्छा किरदार रहा है इसकी तामीर में, और कम से कम मैं जो देख रहा हूँ कि अगले कुछ सालों में, इन ए वेरी नियर फ्यूचर, हमारा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान और दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका शुमार होगा। इस दफ़ा हमारे बाकी यूनिवर्सिटीज़ के नस्बत फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, हमारा बजट फ़िलहाल सरप्लस पे चल रहा है। हमारे पास जो एकेडमिक्स के हवाले से एक चैलेंज में हम फेस कर रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट थी, और स्टूडेंट डिग्री लेके उनको नौकरी हासिल करने में, जॉब सिक्योर करने में मसला होता था, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती थी कि हमारा जो प्रोडक्ट था वो इस लेवल का नहीं था कि वो प्रॉपरली इंडस्ट्री में यूटिलाइज हो सके। उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यही था कि किस तरह हम एकेडमी और इंडस्ट्री के दरमियान जो ये गैप है, इसको ख़त्म करें। उसके लिए
हमने अपने और एक को इस्टेब्लिश किया और उसको इफेक्टिव बनाया। यहाँ पर हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मीटिंग की, उन इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पर अपने एकेडेमिया में इन्वॉल्व किया, करिकुलम बनाने में उनका किरदार है, उनसे हमने दरियाफ्त किया कि उनको कौन कौन से स्किल्स के लोग चाहिए मार्केट में, वही स्किल्स डेवलपमेंट में हमने तवज्जो दी है। काफ़ी कुछ हमने अचीव किया लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ करना बाकी है और उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम इंडस्ट्री को, मार्केट को रिक्वायर्ड जो उनके स्किल्स हैं उस वो प्रोडक्ट देंगे तो इनकी अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हल हो जाएगा। देखिए जी, अच्छे और बुरे लोग हर फील्ड में होते हैं। आप अगर पाकिस्तान में देख लें तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च भी की जा रही है। अभी रिसेंटली हमने सुना कि एक मिशन जो चांद पे रवाना हुआ है उसमें जो प्रोफेसर कमर साहब हैं उनका इफेक्टिव रोल है, तो हमारे पास इस तरह के अच्छे रिसर्चर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए। और रिसर्च को अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लाएंगे और उससे यूनिवर्सिटी उससे सोसाइटी को फ़ायदा होगा तो मेरे ख्याल में वही रिसर्च लोगों के काम भी आएगा, मुल्क के काम आएगा, और अगर उस रिसर्च से हम यहाँ के इश्यूज सॉल्व कर सकें मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है वो उस क्वालिटी का नहीं है जिसकी वजह से उनको जगह नहीं मिल रही। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि डिग्री अगर आप किसी पुश्तो लैंग्वेज में भी लोग लेकिन उसमें पूरा अपना कमांड हासिल करो तो फिर आपको उसका सही फल मिलेगा। आपको जॉब की भी कमी नहीं है, बंदा हायर एजुकेशन के लिए बाहर भी जा सकता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है और उसमें वो उन्होंने जो एक वाशिंगटन एकॉर्ड साइन किया है उस पर ओ बी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर स्टार्ट की है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन, तो उसमें कम अज़ कम जो फोकस है वो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के स्किल्स पे है और उसी को हमने टारगेट किया हुआ है कि कौन से स्किल्स जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है वो हम इन स्टूडेंट्स को दे सके। और इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स जॉब से ज़्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ जाए या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए तो मेरे ख्याल में उससे जो इनका फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है।